नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y200e 5G versus iQOO Z9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y200e 5G में 185.5 ग्राम जबकि Z9 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 86.83% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y200e 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Z9 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y200e 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z9 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y200e 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Z9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y200e 5G में Adreno 613 जबकि Z9 5G में Mali G610 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 और Z9 5G में MediaTek Dimensity 7200 मिलता है। बात करें RAM की तो Y200e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y200e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y200e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,827 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y200e 5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQOO Z9 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 20 है, दूसरा पोको X6 5G है, तीसरा मोटो G0 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।